अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान भारत बंद के आह्वान पर आंदोलन। जयपुर, अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान ने उच्चतम न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के कथित संविधान विरोधी निर्णय के विरुद्ध बुधवार 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया है। ये बंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में किया जा रहा है, जिसे समिति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर प्रहार माना है। इस विरोध के चलते राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बाजार, स्कूल और अन्य संस्थान बंद रहने की संभावना है। समिति ने समाज के सभी वर्गों से इस बंद में शामिल होकर समर्थन देने की अपील की है। बंद के दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की भी अपील की गई है। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश हुआ है, उसके बाद में जो भारत बंद का आह्वान हुआ था, कहीं ना कहीं जयपुर शहर में उसकी जो देखने को मिला भारत बंद का असर। जो अभी हम देखो, कुछ महिला हैं काफी सैकड़ों की तादाद में, जो किस मुद्दे पर क्या बात रखना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है उसके विरोध में, उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है एसटी एसटी आरक्षण के खिलाफ, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको वापस ले। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो ये फैसला सुनाए, क्योंकि संसद पार्लियामेंट में ये बहुमत से पास होता है, कोई भी बिल होता है। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो संविधान से छेड़छाड़ की जाए। अगर ये आदेश नहीं वापस होता है तो क्या करोगे आप लोग? हम हमारा हक लेके रहेंगे और हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, तेज करेंगे। अगर इजीली काम हो जाता तो अच्छी बात है, सरकार हमें विश्वास है कि वो हमारा। अभी आप लोग कहाँ से आए? जयपुर से ही हैं सब लोग, जयपुर से। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे मेन जो सरकार से मानने के? मेन मुद्दा अभी तक का तो यही है कि जो भी ये एस सी एस टी के लिए जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ये वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले से ही बाबा साहब ने जो हम बनाया है, संविधान बनाया है, उसमें जो फैसला है उसको योग्य तो ही रहा जाए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। केंद्र सरकार से भी हमारी यही, हाँ, संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जाए। मोदी सरकार से भी हमारी यही अपील है कि जो संविधान में पहले से ही लिखित है वो जो के दो रखा जाए। जैसे अगर सरकार अगर बात नहीं मानती है और अभी भारत बंद का आह्वान करा है, आगे जाके क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं? आगे चल के हम इसी को जारी रखेंगे, विद्रोह को। किस संगठन से आप लोग हो अभी? हम एससी एसटी समाज से हैं, सभी संगठन से नहीं है, हम पूरे एससी एसटी के साथ में। तो ये जो विरोध है कहीं ना कहीं राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी हद तक जो इनकी मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून दिया है उसको कहीं ना कहीं बदलने की मांग है। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस।